सब मैं पहली बार ही देख रहा हूँ और यहाँ पे तू इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती है हर व्लॉग में? ये नॉर्मल डबलिन सीन्स है, ये सब होता रहता है यहाँ पे। तूने स्टार्टिंग में आते ही कहा था नान जैसा था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 18 दिसंबर। आज मैं डबलिन कैसल आया था, यहाँ पे क्रिसमस मार्केट लगा हुआ है, तो मैं सैम इशिता वही देखने आए हैं। शक्ल दिखा, इसने बात करी, उसने हमारी एंट्री करवा दी है अंदर यहाँ पे। पहले हमें इसकी टिकट नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर इशिता ने गेट पे गार्ड से बोला कि सोल्ड आउट इवेंट है, जा सकते हैं क्या? तो गार्ड अच्छा था, उसने कहा हाँ चले जाओ, तो वरना ही मिस हो जाता हमारा। हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे, इसलिए हमें पता नहीं था यहाँ पे लगा हुआ है। खाली लोगों की स्टोरीज वगैरह में ही देखा था और अंदर आके ऐसा है। ये कॉलेज से मतलब 2-3 मिनट दूरी है डबलिन कैसल, और ऐसे छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई हैं, जैसे दिवाली मेले नहीं होते उस टाइप का ही है, लेकिन अलग अलग चीज़ की शॉप्स हैं। यहाँ पे सैम इशिता अभी यहीं कहीं होंगे, ये खड़े, ये लाइन में लगे हैं। भाई किस चीज़ की लाइन में लगे हुए हो? स्ट्रॉबेरी एंड मार्शमेलोस डिप्ड इन हॉट चॉकलेट। भाई इतना लंबा नाम क्या ले गई तू? अभी तक कुछ खाया तुमने? हाँ, क्या खाया, कैसी थी? बहुत अमेजिंग। कहाँ पे? फ्लैश ऑन करा दोबारा, बेइज्जती करती है मेरे ब्लॉग में मेरी। इन लोगों को लाइन में लगे रहने देता हूँ, मैं थोड़ा आगे जाके घूम के आता हूँ। बड़ा हॉट सा लग रहा है, ये पहली बार है मेरा, थर्ड ईयर है मेरा यहाँ पे डबलिन में, लेकिन पहले फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी, दोनों में क्रिसमस से पहले मैं इंडिया चला गया था वापस, तो ये सब मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। और यहाँ पे राइड्स वगैरह, मतलब एक ही राइड है, राइड्स ज़्यादा नहीं है, और कैब्स वगैरह की शॉप्स भी हैं। इसकी टिकट आई गेस 3 यूरोज़ की है शायद से, हाँ 3 यूरोज़ की है, और इन्होंने यहाँ से अभी कुछ खाया था। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरे को पता नहीं था, मेरे को पता नहीं था कि ज़्यादा ठंड हो रही है, तो मैं ऐसे ही आ गया था एक जैकेट पहन के। प्लान था नहीं कुछ ऐसा कि जाएंगे, क्योंकि टिकट तो थी नहीं हमारे पास, लेकिन जो ले की दो लियो, और एक खाली वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए मत ले लियो। सैम कैसा है मार्केट? काफ़ी फन है, बट और फन हो सकता था। क्या कह रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे आके, इससे अच्छा हमारे दिवाली मेले नहीं होते? आई थिंक भीड़ बहुत है, बस ये इशू है, छोटा बहुत है। भाई दिवाली मेले ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो तो बहुत फन होते हैं। यहाँ पे भी कहीं चल रहा होगा लक्की 7 सैम। भाई कितना ज़्यादा सही लग रहा है ये, मतलब हाँ दिवाली मेले भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन यार ये सोचो ना, आयरलैंड का दिवाली मेला है ये, और यहाँ पे कुछ बैंड्स वगैरह परफॉर्म कर रहे थे। We got some dancers. Okay, here we go. Here's a new one by Ed Sheeran. You all sing along if you want. I'm going to play some sax over this and enjoy it on the dance floor. और यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के ऐसे शॉप्स भी लगे हुए हैं। बड़ी अच्छी लग रही है, मतलब ज्वेलरी टाइप्स की छोटी, और वुडन चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब ट्रेडिशनल आयरिश चीज़ें जो होती है ना, मेनली उसका फेयर है ये। तो जैसे इंडिया में क्या हुनर हाट टाइप कह लो, उस टाइप का कुछ लग रहा है मेरे को तो। लेकिन जो भी है भाई, डेकोरेशन वगैरह बहुत ज़्यादा लिट है यहाँ पे। पजल वगैरह की शॉप है, और वही ट्रेडिशनल आयरिश ज्वेलरी वगैरह की है, आयरिश गिफ्ट्स वगैरह। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आई गेस सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट भीड़ है। और ये देखो कितनी मस्त मस्त चीज़ें हैं। अभी यहाँ से मैं थोड़ी चीज़ें खरीद भी लूँगा, अभी पहले देख लेता हूँ क्या क्या है, उसके बाद देखूँगा खरीदना क्या क्या है। और नट्स वगैरह की शॉप है, और यहाँ पे हॉट चॉकलेट है शायद से।
बड़ी बढ़िया जगह है, देखो झूला स्टार्ट हो गया। मैं तो सैम से कह रहा हूँ झूला झूल ले, इतना मस्त झूला है ये, वो मान नहीं रहा है मेरी बात, यार पागल हो गया है क्या। मैं इशिता को कन्विंस करने की कोशिश करूँगा, वो मान जाएगी तो हमें झूला ज़रूर झूलेंगे, फिर झूले के ऊपर से वीडियो बनाऊँगा मैं, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मेरा ये करने का। और ये बिल्कुल लास्ट पार्ट है, यहाँ पे क्या ही है, देखो हॉट विस्की, क्राफ्ट बियर एंड हॉट विस्की। ये बिल्कुल मार्केट की लास्ट शॉप है, और ये भी ज्वेलरी की है, तो मोस्टली देख लो सब ज्वेलरी ज्वेलरी था। और वो मेरा फेवरेट झूला उस साइड है पूरा, और ये डबलिन कैसल के अंदर का ये पूरा एग्जिट दूसरी साइड से, यहाँ से एंट्री हुई थी तो मैं खाली दिखाने के लिए बाहर गया था, अंदर आ गया था एक बार, वो देखो वहाँ से अंदर आए थे वहाँ से। और मेरा ब्लॉग करने का कुछ प्लान नहीं था, लेकिन बस हो गया अब तो। और ये अभी भी यहीं कहीं खड़े होंगे शायद से, इन्हें मिल गया होगा तो खा रहे होंगे। अभी शायद से इसके बाद हमारा मूवी देखने का प्लान है, मूवी के टिकट्स बुक कराए हैं। हाँ बता दो अभी जाएंगे नहीं जाएंगे। सैम कैसा है ये, क्या है इसमें? मैं मार्शमेलो नहीं खाता, नहीं मेरे को पसंद ही नहीं है, पता नहीं। बस अब निकल रहे हैं, यही सब कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ खाया पिया था मैंने अभी, हॉट चॉकलेट वगैरह पी ली, उसकी वीडियो नहीं बनाई मैंने क्योंकि फ़ोन के ज़्यादा फ़ायदा नहीं था मेरा। 21 दिसंबर तक था और आज क्या है, आज 18 दिसंबर है, तो 3 दिन और बचे हैं। मैं इसका व्लॉग बना के कल परसों में डाल दूँगा, मैं दूसरा व्लॉग डालने वाला था लेकिन अब पहले इसी का व्लॉग डाल दूँगा। बड़ी बढ़िया चीज़ थी, मज़ा आ गया मेरे को तो। क्रिसमस के टाइम पे अलग ही सीन्स होते हैं यहाँ पे, जैसे लाइट्स वगैरह देख लो, और ये पूरे इस पे लाइट्स वगैरह होंगी, आज जाम वगैरह भी काफ़ी लगा हुआ है यहाँ पे, और आसमान देखो, चांद देखो छुपा हुआ है पीछे उसके। इशिता कैसा था मार्केट? बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक एक बात बताएगी मेरे को? नहीं लेकिन एक बात बताएगी, तू इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती है हर व्लॉग में, ये बहुत लोग पूछना चाहते हैं। ये खाना खा रहा बैठ के भाई, कुछ तेरे को चलना चाहिए था, बहुत अच्छा था। ऐसे अंदर कुछ है नहीं खास, भाई बहुत अच्छी थी, और झूला एक बड़ा अच्छा था, मैं सैम से कह रहा था झूल लेते, लेकिन इसने झूलने नहीं दिया। तो यहाँ दो जंगी थे, एक दूसरे कोने में 1 किलोमीटर दूर, एक दूसरे कोने में 2 किलोमीटर दूर, जो चिल्ला रहे थे ना कुत्तों की तरह एक दूसरे पे बिना बात में। देखो डर नहीं लगता है ऐसे जब वो चिल्ला रहे होते हैं, वो भगते हुए गई उसके ऊपर चढ़ने। नॉर्मल डबलिन सीन से ये सब होता रहता है यहाँ पे, बड़ा नॉर्मल है, कहीं भी दिख जाता है। ठंड हो रही है, बहुत ठंड लग रही है मेरे को तो। इसने तो देखो हाथी वाली जैकेट पहन रखी है, इसे तो बिल्कुल नहीं लगी, मैं तो जम चुका हूँ एकदम, मेरे हाथ नहीं चल रहे हैं अभी। यहाँ क्रिसमस के टाइम पे ऐसे छोटे मोटे डेकोरेशन होते रहते हैं, मतलब ये कोई मेन स्ट्रीट नहीं है इसलिए यहाँ पे हल्की फुल्की डेकोरेशन है, जैसे ग्राफ्टन स्ट्रीट हो गई, हेनरी स्ट्रीट हो गई, वहाँ पे तो लाइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगाते हैं। अभी थोड़ी देर में शायद हेनरी स्ट्रीट जाएंगे तो दिखा दूँगा। तेरी वीडियो, मेरे को लगा मेरी तारीफ कर रही है। इसका तेरा चैनल कौन सा है? प्रैडी के चुटकुले। प्रैडी के चुटकुले तेरा है? तेरा है, पर उसमें मेरी वीडियो है। सारे जोक्स मेरे हैं, हर चीज मेरी है। और कोई व्यू नहीं दे रहा? व्यू नहीं आ रहा प्रैडी के चुटकुले यार, एक तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो अभी, मैं कभी कहता नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी सब्सक्राइब नहीं करोगे। इशिता तू पिज्जा के लिए वेट तो करवा रही है लेकिन अच्छा नहीं हुआ ना, तो बहुत पिटेगी और ये भी बहुत पिटेगा। सैम अपनी शक्ल क्यों छुपा रहा है? That is suggested by Kashyap, Ariman Kashyap, he's the best student, third year. And if it's not good, then call Kashyap. Kashyap भाई देख ले क्या कह रही है, मैंने अब मेरे वीडियो में प्लीज 2 मिलियन व्यूज तो दे दो यार। तेरी वीडियो कौन सी है तू बता अभी। इशिता हाँ आगे हॉट कप वाली भी है। तेरी कितनी वीडियोस हैं टोटल? 2 3 3 तीसरी में तो कोई व्यूज ही नहीं दिए। चल तीसरी वाली पे कमाया। भाई क्या कर रहे हो यार, ये वही तो हद हो गई यार, वही तो इतनी मेहनत से हम कंटेंट ला रहे हैं, बताओ और तुम ऐसे कर रहे हो।
चलो कमेंट्स में तो मेरा स्वेटर कैसा लग रहा है देख लो, दिख भी रहा है। हाँ। तारीफ कर देना। सैम पिज्जा कैसा था? तूने स्टार्टिंग में आते ही कहा था नान जैसा था। Sometimes all I think about is you. हट, दिखा तो क्या दिखा रही है? क्या है ये? नासी गोरेंग। तेरे को? नंबर लेवल नूडल बार। If anybody goes to that place, they should definitely go there. हम आज देख रहे हैं हाउस ऑफ गुच्ची और टिकट ले लिया हमने। यहाँ पे कोविड सर्ट दिखाना होगा शायद से। जितना मूवी अच्छी नहीं हुई तो तू पिटेगी। ठीक है, पक्का? पक्का। अगर मूवी अच्छी हुई तो मैं टिकट के पैसे देता। नहीं दूंगा मैं भी, नहीं पिटूंगी यार, चीटिंग कर गई है तो।